मंदसौर से खबर आ रही है जहां भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव का जन्मदिन, उसके दौरान भाजपा कार्यालय पर विशाल नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर क्षेत्र के हजारों लोगों ने शिविर में भाग लिया और रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आंखों की जांच करवाई। नेत्र चिकित्सा शिविर में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड़ के डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डॉक्टर आर के शर्मा ने, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आंखों के समस्त मोतियाबिंद के रोग, काला पानी के रोग, बहरापन, नखुना आदि की जांच की, जिसमें करीबन 1400 से ज्यादा मरीजों को परामर्श दिया गया और करीब 265 मरीजों को आंख का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इस दौरान रामहेतु यादव, पूर्व विधायक पास अलवर, उत्तर भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, उप प्रधान गणेश सैनी, शशिकांत बोहरा, मुकेश गोयल सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसी वजह से ठीक नहीं थी तो आदरणीय हमारे यहाँ दो बार विधायक रहे और हमारे बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता किशनगढ़ के विधायक रहे भाई रामेश यादव जी हमारे साथ हैं, शशि जी हमारे साथ हैं, उमेश भाई जी हैं, जगदीश सिंह जी हैं, गुरु भारद्वाज जी हैं और हमारे उप प्रधान जी हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस पे इसलिए आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक एग्जाम्पल है कि लोग, ये कुछ ऐसे लोग हैं पूर्व नेताओं की एक स्टोरी को आप उठा के देखेंगे, कोई 5 स्टार में केक काट के एंजॉय करके जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य करने की शैली है कि सेवा भाव, जन सेवा भाव से हम अगर इनको शिक्षा में गुणवत्ता की क्वालिटी को बढ़ाना है तो विवेकानंद के मॉडर्न स्कूल के आधार पर राज्य सरकार को, चूंकि केंद्र का प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार को भी एक एक ब्लॉक में 5-5 या 10-10 जितनी भी आवश्यकता है उस हिसाब से अलग से स्कूल खोल करके, लेकिन ये महात्मा गांधी जी के नाम पर जो अंग्रेजी मीडियम का जो नाटक कर रही है, पुराने डर्रे पर जो स्कूल चल रहे हैं सरकारी स्कूल जिसको हिंदी भाषा ठीक से बच्चों को नहीं आती, उनको इंग्लिश माध्यम में डाल करके और इस सारी जो शिक्षा व्यवस्था है।